सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना भाई, कि IRCC के जो लेटेस्ट अपडेट्स आया भाई, मैंने सारे अपडेट्स बताए थे A to Z, जितने भी 3-4 अपडेट्स आए थे। तो भाई उस वीडियो का कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद ना भाई मुझे रियलाइज हुआ कि अभी भी लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स हैं कि वो किस कैटेगरी के अंडर जा रहे हैं, वो उनकी एलिजिबिलिटी कैसे बन रही है, जिनके ऑलरेडी फाइल लॉट्स जो उनको GST एक्स्ट्रा पे करनी है, या फिर कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि भाई वो फुल टाइम कर सकते हैं नहीं कर सकते, 20 hours है, 30 hours है, 40 hours है, कितने हैं। तो आज यार सारी चीज़ों पर बात करते हैं भाई। मैं आपको एलिजिबिलिटी बताता हूँ किस हिसाब से इन्होंने डिसाइड की है, किसको एक्स्ट्रा पे करने की लोड है, किसको एक्स्ट्रा पे करने की नहीं लोड है। तो सारी बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला मुद्दा है GIC का, इन्होंने GIC की अमाउंट बढ़ा दी है। तो यार देखो, GIC का मैं आपको सीन समझा देता हूँ। रूल में साफ साफ लिखा है, जिन जिन बच्चों की फाइलिंग 1 January 2024 के बाद होने वाली है, उनको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ GIC भरनी है। तो अब बात आ जाती है जिनकी फाइल लॉज्ड है। भाई मैं आपको बताता हूँ सिंपल रूल, जब आप अपनी GC की लॉगिन करते हो ना, जहाँ पे GC की सबको पता ही है भाई, जहाँ पे आप अपनी फाइल्स लॉन्च करते हो, IRCC की ऑफिशियल पोर्टल, जब आप GC की लॉगिन करते हो ना, वहाँ पे सबमिशन डेट या फिर डेट रिसीव्ड होता है, आपने वो चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मेरी सबमिशन डेट 28th of May 2022 थी, मेरी फाइल 21st या 25th of August को अप्रूव हुई थी बाद में। तो भाई वो जो सबमिशन डेट है ना, लॉन्च डेट है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो जो भी रूल आ जाए, मेरी सबमिशन डेट 28th of May थी, ठीक है, रिगार्डलेस वो अप्रूव 25th of August हुई थी, वो सबमिशन डेट देखी जाती है। तो इस टाइम उनकी सबमिशन डेट आई है 1st of January 2024। अगर आपकी सबमिशन डेट 1st of January 2024 से पहले है ना, तो आपको GIC एक्स्ट्रा पे नहीं करनी है। वहीं वो बच्चे जो 1 January 2024 के बाद से अपनी फाइल लॉन्च करने वाले हैं, उनको ये इंक्रीज अमाउंट ऑफ GIC भरनी है, जो कि अब 10,000 से इंक्रीज होकर 20,635 हो गई है। तो भाई ये रूल सिर्फ उनके लिए है। और यार इसी के साथ जो बच्चे भाई GIC भर चुके हैं अपनी, ठीक है, जिनको अपने GIC भर चुके हैं, ठीक है, पर उन्होंने अभी तक फाइल लॉन्च नहीं किया है, तो भाई मैं सबको बोलना चाहूंगा, अभी मौका है, 20-25 दिन है जो बीच में, फाइल्स अपनी लॉन्च कर दो, डिसीजन बाद में होता रहेगा, अप्रूव रिजेक्ट जो मर्जी बाद में होती रहेगी, बट फाइल्स लॉन्च कर दो, ताकि आपको ये कम अमाउंट की GIC भरनी पड़े। भाई अगर आपकी GIC अभी आपने भर दिया, पर आप फाइल लॉन्च अपनी 1 January के बाद से करोगे ना, आपको इंक्रीज अमाउंट ऑफ GIC भरनी पड़ेगी अंडर SGS कैटेगरी। तो भाई सारे बच्चे अपनी जल्दी जितनी हो सकता है फाइल लॉन्च कर दो, ये तो 1 January के बाद से, तो ये श्योर है $20,635 आपको GIC भरनी पड़ेगी। तो भाई ये तो होगी GIC की बात। GIC के बाद यार नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं भाई, जिसमें स्टूडेंट्स को फुल टाइम वर्किंग आवर्स मिल रहे हैं। तो यार एक तो मैं सबसे पहले फुल टाइम वर्किंग आवर्स का मतलब बता दूं भाई, क्या होता है फुल टाइम। ना कोई 20 hours है, ना कोई 30 hours है, ना कोई 40 hours है भाई, IRCC ने कोई कैप लगाई नहीं है। फुल टाइम इज अनलिमिटेड आवर्स, जितना आपका हो सकता है उतने आवर्स आप करो, ठीक है, कोई कैपिंग नहीं है। बट मैं आपको बता देता हूँ भाई, मोटा मोटा यहाँ पे जो एक एम्प्लॉयर होता है भाई, वो 40 hours ही दे सकता है आपको, उससे ऊपर उसको ओवरटाइम पे करना पड़ता है, मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। तो भाई इसलिए लोग अगर 40 से ऊपर जाते हैं तो वो दो जॉब्स करते हैं, ताकि उनको 40 से ऊपर आवर्स मिल जाए। तो मोस्टली इतना होता है, 40 कह देते हैं लोग इसलिए फुल टाइम को। बट फुल टाइम इज अनलिमिटेड आवर्स, अनलिमिटेड आवर्स अलाउड है स्टूडेंट्स को। अब आ जाते हैं भाई, कौन से स्टूडेंट्स आते हैं इसके अंडर जो कि इस रूल के अंडर क्वालिफाई करके फुल टाइम पे काम कर सकते हैं। तो यार इनकी पहले जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से तो 31 December तक फुल टाइम काम कर सकते थे वो बच्चे जिनकी फाइलिंग 7 October 2022 से पहले हुई है, ठीक है। अब रूल इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, अब ये कहते हैं कि जो बच्चे अभी करंटली कनाडा में हैं और आने वाले बच्चे जिनकी फाइलिंग 7 December 2023 से पहले हो चुकी है, वो फुल टाइम काम कर सकते हैं 30th of April 2024 तक। तो यार ये तो मैंने भाई मोटा मोटा आपको उनका रूल बता दिया, मैं इसको थोड़ा हल्का करके आपको समझा देता हूँ कि कौन से बच्चे इसके अंडर आ रहे हैं। भाई देखो, मैंने आपको बताई थी डेट ऑफ सबमिशन या फिर डेट रिसीव्ड, आपने वो चेक करनी है अपनी। फॉर एग्जांपल मेरी 28 May 2022 है, 7 December 2023 से पहले आ रही है ना, मैं एलिजिबल हूँ, आपने यही करना है भाई। जो आने वाले भी बच्चे हैं ना, या जो अभी कनाडा में है, ठीक है, जो कनाडा में है उनके लिए तो उन्होंने सीधा कह दिया, जो बच्चे कनाडा में है वो कर सकते हैं। जो आने वाले और जिनकी फाइलिंग 7 December 2023 से पहले होगी है, फाइल लॉज होगी है, रिगार्डलेस उसका अभी तक डिसीजन हुआ है नहीं हुआ, पेंडिंग है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर आपकी फाइल लॉज होगी ना 7 December 2023 से पहले, आप सर्टिफाइड हो, आप अप्रूव्ड हो कि आप फुल टाइम काम कर सकते हो, अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो। तो भाई ये सिंपल रूल है, और ये सिर्फ 30th of April 2024 तक है, सिर्फ 4 महीने और एक्सटेंड किया इन्होंने, ठीक है। तो ये याद रखना बात, और भाई ये रूल अभी से अप्लाई हो गए हैं,
ऐसा नहीं है कि 31st के बाद हो रहे, पहले मुझे डाउट था कि शायद ये रूल 31st के बाद हो, बट अभी से अप्लाई हो रहा है तो सारे बच्चों को फुल टाइम स्टेटस मिल चुका है। और यार मैं थोड़ा इसमें और एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे फुल टाइम काम करने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में अपनी क्लासेस मिस करके काम पे जाते हैं, ठीक है। तो मैं उन सब के लिए बता दूँ, पीछे ये केसेस हुए हैं, कुछ बच्चे एक हफ्ते के 60-60 घंटे कर रहे थे, जब उन्होंने अपना PGWP अप्लाई किया देन इमिग्रेशन ऑफिसर्स सॉ दैट दे वर मिसिंग क्लासेस एंड गोइंग टू वर्क। तो मैं सीरियसली बता दूँ, IRCC अभी स्टूडेंट्स पर रिलाय कर रहे हैं कि वो यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, ना कि दिहाड़ियाँ करने, काम करने। तो भाई आप अपनी क्लासेस मिस ना करना, अगर आप ऐसा पकड़े जाते हो आपका PGWP रिजेक्ट हो सकता है, पीछे हुआ है कईयों के साथ। तो अपने क्लासेस मिस मत करना और अपने आप को इतना बर्डन में मत डालना कि आप पढ़ ना पाओ। तो अपनी पढ़ाई को पहले रखना भाई, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी पढ़ाई को पहले रखना, ठीक है। IRCC ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है तो उसका ढंग से इस्तेमाल करो, ये नहीं है कि अनलिमिटेड आवर्स है तो आप अनलिमिटेड ही काम कर ही जा रहे हो, उतना काम करो जितना आपके लिए सफिशिएंट है, जितना आपकी बॉडी झेल सकती है, ज़्यादा काम मत करना भाई। तो आज मैंने मोटा मोटा ये एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से बच्चे किस किस कैटेगरी के अंडर जा रहे हैं। यार ये कुछ कैटेगरीज थी भाई जिसके डाउट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्लियरली बता दिया ये। और यार अगर फिर भी आपका सही में कोई डाउट रह जाता है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, कल की वीडियो जब मैंने डाली थी तो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया था जो कि नए रूल्स आए हैं भाई। आज की वीडियो के नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जो नए रूल्स आए हैं। यार रूल्स सीरियसली बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है, किस किस बच्चे को क्या करना है, किस किस में क्या सिनेरियो हो सकता है, बहुत क्लियरली डिफाइंड है। तो भैया आप इन रूल्स को आराम से बैठ के पढ़ो, ठीक है, टाइम लो अपना, आराम से पढ़ो, आपको सीरियसली समझ आएगा। तो रादर देन कि आप डाउट में रहो तो आप उसको पढ़ लो, वो सर्टिफाइड साइट्स है, उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है यार तो आप IRCC को ईमेल कर सकते हो भाई, IRCC को कॉल कर सकते हो, आप ये सब आप कर सकते हो भाई आराम से, तो IRCC आपको जवाब दे देगा। बाकी यार आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं भाई, कोई और डाउट रह जाए तो आप कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके अपने ओपिनियन भी बता देना, अपने थॉट्स बता देना कि आपको क्या लगता है रूल्स कैसे हैं, सही है गलत है, सब बता देना भाई। और आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।